हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम करेंगे चैप्टर टू पॉलिनोमियल। तो इसमें हम बिल्कुल फर्स्ट चीज़ क्या देखेंगे पहले कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। इफ़ आई राइट 2x प्लस 3 क्या है? एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं इसमें इक्वल टू लगा के कुछ वैल्यू लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ बाई चांस 4, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। 2x प्लस 3 था, एक्सप्रेशन है, इसमें अगर इक्वल्स टू आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है ये, एक्सप्रेशन ये होता है, इक्वेशन ये होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे मोनोमियल। मोनो मतलब होता है वन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 2x, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है ना, ये इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन तो नहीं है, एक ही टर्म है, तो मतलब ये क्या है? मोनोमियल। अगर मैं लिखूँ 4p, तो ये क्या है? मोनोमियल। मैं लिखूँ सिर्फ एक x, तो ये भी क्या है? मोनोमियल। मोनो मतलब वन। टू पी लिख दीजिए, तो ये क्या है? मोनोमियल। नेक्स्ट आता है बायोनोमियल। बायो मीन्स टू मतलब जिसमें दो टर्म होंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट 2x प्लस 1, एक टर्म तो ये है, दूसरी टर्म ये है, बीच में प्लस का निशान है और दो टर्म बनती है, तो मतलब ये क्या होगा? बायनोमियल। अगर मैं लिखूँ 5p प्लस 2r, तो ये भी क्या है? दो टर्म है, मतलब ये क्या है? बायनोमियल। अगर मैं लिखूँ 3s माइनस t, तो ये भी क्या है? बायनोमियल। इसे नेक्स्ट इसमें आता है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। एग्जाम्पल मैं लिखूँ x + y + z, तो उसमें 3 टर्म्स आ रही ना, मतलब ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। मैं लिखूँ इसमें 3x - y + 2z, तो 3 टर्म्स आ रही है, तो क्या होगा? ट्राइनोमियल। अब इसमें लास्ट आता है पॉलीनोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी कि जिसमें होंगी बहुत सारे टर्म्स। हमें पता है जिसमें एक होंगी उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होंगी उसको बोलेंगे बायनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगी, यानी कि 3 से ज़्यादा 6 से 4 हो 5 हो 6 हो, तो वो क्या होगा? हमारा पॉलीनोमियल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ 3x + 2y - z + r, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, तो मतलब ये क्या है? पॉलीनोमियल। अगर मैं लिखूँ 2x³ + 2y² + z + t, तो ये क्या है? 4 टर्म्स हैं, तो क्या हो गया? पॉलीनोमियल। अब कोई एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है या नहीं है ये पता कैसे चलता है? अगर मैं लिखूँ 2x³ + 3y² + t, तो कोई अगर मुझसे पूछता है कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलीनोमियल है, तो पता कैसे चलता है? पता चलता है इन वेरिएबल्स की पावर से। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट A to Z, ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो इसमें एक्स, वाई और टी, ये तीनों हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स। अब हमें क्या देखना पड़ता है कि इन वेरिएबल्स की पावर क्या है। तो एक्स की पावर क्या है? 3। 3 क्या है? एक होल नंबर, ठीक है। वाई की पावर क्या है? 2। 2 भी क्या है? एक होल नंबर। टी की पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो किसी वेरिएबल की पावर अगर कुछ नहीं होती ना तो वहाँ हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पावर क्या है? 1। तो टी की पावर 1, ये भी क्या है? एक होल नंबर। आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल्स गिवन है अगर उनकी पावर होल हैं सारी की सारी, तो वो क्या होगा? पॉलीनोमियल। तो ये क्या है? पॉलीनोमियल। ये पॉलीनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल का है? कोई पूछ रहा है कि क्या ये पॉलीनोमियल है, और अगर है तो कितने वेरिएबल का है? तो हमें देखा कि 3, 2, 1, तीनों क्या है? होल नंबर, मतलब ये पॉलीनोमियल है। और कितने वेरिएबल का है? इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 1, 2, 3। पॉलीनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। अब अगर मैं एक एक्सप्रेशन और लिखूं, 4t² + 3r² √z, ये एक इक्वेशन है। तो पहला काम हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉलीनोमियल है, और पॉलीनोमियल अगर है तो कितने वेरिएबल का है। आपको इनमें वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है। तो टी और ये आर और जेड क्या है? तीनों वेरिएबल।
टी की पावर 2 है, 2 होल नंबर है, यानी कि ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर, आर की पावर, ये आर रूट में है और ये रूट का मतलब इस रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये जो रूट है ना इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब 1/2 अगर उसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। और क्या होल नंबर पॉइंट्स के होते हैं? नहीं, पॉइंट्स के जो नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। तो जो आर की पावर है यानी कि 1/2, ये एक होल नंबर नहीं है। यहाँ जेड की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। तो ये तो होल नंबर है, ये भी है, लेकिन यहाँ होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। अगर मैं एक एक्सप्रेशन और लिखूं, 5/(x^3+(x^2+1), तो क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए आप, इसमें हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल्स की पावर। तो ये वेरिएबल है एक x, इसकी पावर 3, होल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ वेरिएबल है x^2, वो भी क्या है, होल नंबर। ये तो वेरिएबल नहीं है ना, ये क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर, मतलब इसके ऊपर पावर क्या है, 0। कॉन्स्टेंट नंबर होता है जिसकी पावर क्या होती है, हमेशा 0। तो अब x^3 है, हमको क्या करना होता है, इस ऐसे एक्सप्रेशंस में हमको क्या करना होता है कि 5 लिखेंगे, x^3 को हम ऊपर लेके आएंगे। तो क्या होता है कि जब ये पावर यहाँ अभी प्लस की है, इस 3 के आगे जो साइन है वो प्लस का है, x^+3 है, तो जब ये x ऊपर जाएगा 5 के पास तो उसकी पावर क्या हो जाती है, -2। और क्या बचा, x^2+1। अब क्या -3 होल नंबर है? होल नंबर तो माइनस में होते ही नहीं। होल नंबर क्या होता है, जो 0 स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, up to so on। तो ये भी क्या है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। मैं लिखूँ x^20+y^10+t^5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? और अगर पॉलिनोमियल है तो कितने वेरिएबल का है? आप देखिए वेरिएबल कितने हैं, 1, 2, 3 और 20 विच इज़ होल नंबर, y^10 ये भी क्या है, होल नंबर, t^5 भी क्या है, होल नंबर। तो ये तीनों नंबर क्या है, होल नंबर, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा पावर क्या होगी हमारी, 1। अगर मैं लिखूँ एक एक्सप्रेशन x-3, आपको पावर किसकी देखनी है, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या है इसमें, x, x की पावर क्या है, कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 ना, यानी कि क्या हो गया हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूँ -7x+18, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक ही तो है x, और इसकी पावर क्या है, 1, तो ये भी क्या है, लीनियर। अगर मैं लिखूँ 7-3x, तो वेरिएबल क्या है, x, पावर क्या है, 1, तो ये क्या होगी, लीनियर। लीनियर मतलब कि वो एक्सप्रेशन आपको देखना है जिसकी पावर क्या होगी, 1। अब सेकेंड इसमें आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब पावर क्या होगी, 2। अब अगर मैं लिखूँ एक एक्सप्रेशन x^2+5x-1, आपको हमेशा हाईएस्ट पावर ही देखनी है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 2, तो मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक। और एग्जांपल लेते हैं इसके, मैं लिखूँ 6x^2-4, तो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की पावर क्या है, 2, तो ये क्या, क्वाड्रेटिक। मतलब कि आपको उस एक्सप्रेशन में ये देखना है कि अगर उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी ना, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। थर्ड आता है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर क्या होती है, 3, हाईएस्ट पावर 3। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे 7x^3-6x^2+5, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3। देखो उसमें पावर 2 भी है और 3 भी है, तो आपको हाईएस्ट पावर ही देखनी है। ये 2 वाली क्या होती है, क्वाड्रेटिक, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर 3 है इस वेरिएबल की, यानी कि क्या होगा, क्यूबिक। अगर मैं लिखूँ 4 है, फिर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो
हमें इसमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर में क्या है, 4। लेकिन क्यूबिक में तो क्या होता है, पावर 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर क्या रही है, 4, यानी कि क्यूबिक पॉलीनोमियल नहीं है। फोर्थ आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी आपकी, 4। अगर मैं लिखूँ एग्जांपल 12x की पावर 4 -17x³ + 18x² - 12x + 20। तो देखिए उसमें पावर 4, 3, 2 और यहाँ पावर क्या है, 1, और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर मतलब जिसकी पावर 0 होती है। तो उसमें हाईएस्ट पावर ही आप देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो मतलब ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अगर मैं लिखूँ 4x की पावर 4 और +2x + 9, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 4। मतलब क्या है ये, बाय क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलीनोमियल। कांस्टेंट में हमेशा इसकी, कांस्टेंट में पावर क्या होगी, 0। कांस्टेंट पॉलीनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मतलब कि ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट उस नंबर के पीछे नहीं होगा। कांस्टेंट पॉलीनोमियल अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें 9 है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसे एग्जांपल होंगे कोई भी एक सिंगल नंबर, मैं एक दो 5 या -4 या 9 या 7 भी, मतलब कि कोई भी वेरिएबल नहीं है इनके पीछे, सिर्फ कांस्टेंट होगा और इनकी पावर क्या होगी, 0। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस्ड, हमको बताना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा कांस्टेंट, कौन सा बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो फर्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो हमें क्या देखना होता है, वेरिएबल्स की पावर। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स की पावर क्या है, 1। तो मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल। सेकेंड पार्ट है 6x की पावर 4 + 2x - 7। वेरिएबल क्या है इसमें, एक तो ये वाला एक्स है, एक ये एक्स है, लेकिन हाईएस्ट पावर इसकी 4 है। तो मतलब ये कौन सा है, बाय क्वाड्रेटिक। थर्ड पार्ट में हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है, 3। मतलब ये क्या है हमारा, क्यूबिक। ये एक अकेला नंबर है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट। लास्ट यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2। मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोफिशियंट्स। सपोज एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 6x की पावर 2 + 7x - 1। हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें आपको बताना है कि x का कोफिशियंट क्या है, कि x के साथ जो नंबर है आपको वो लिखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोफिशियंट ऑफ x, कोफिशियंट ऑफ x। तो जो x के साथ वाला नंबर है ना, वही उसका क्या होगा, आंसर। तो x के साथ नंबर क्या है, 7। तो इसका क्या हो गया, कोफिशियंट 7। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर की बात है, तो उसके साथ वाला नंबर क्या है, 6। 6 क्या होगा इसका आंसर। अगर कोई मेरे से पूछे कि एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है, यही एक्सप्रेशन गिवन है और उसमें पूछ रहा है कि एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है, तो क्या आपको कहीं दिख रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की पावर 3 कहीं हो? एक्स की पावर 3 तो कहीं भी नहीं है, मतलब क्या है, 0। एक एक्सप्रेशन और लिखते हैं, 7x को पूछ रहा है कि x का कोफिशिएंट बताइए क्या है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x तो कहीं भी नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। कोई पूछ रहा है कि x क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, तो x क्यूब ये रहा, इसके साथ वाला नंबर ही क्या होगा, इसका कोफिशिएंट। अब आपको ना साइन के साथ लिखना है इसका आंसर। तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, -2, साइन के साथ लिखा जाएगा। अगर मैं पूछूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर तो ये रहा। अब आप बोलेंगे इसके साथ कोई नंबर नहीं है, नंबर है 1। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो तो वहाँ हमेशा 1 होता है, तो उसका कोफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास, -1, साइन के साथ लिखा जाएगा, -1। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है इसमें, 7। सिंपल। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आए कि राइट द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, यानी कि अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन है, सपोज आपको ये एक एक्सप्रेशन गिवन है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राइट द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है पावर, डिग्री एक्सपोनेंट, ये सब पावर होती है। तो आपको हमेशा इनमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वही इसका क्या होगा, डिग्री।
तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो उसकी यानी कि डिग्री क्या हो गई? 3। अगर मैं लिखूँ 7x माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये डिग्री हो गई इसकी। अगर मैं लिखूँ 6 और माइनस 5x की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो 4 होगी डिग्री। यानी कि आपको एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है ना, वही लिखनी है, वही उसका क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है वो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है, तो उसको आप अच्छे समझिएगा ताकि आप 2.1 इजीली कर पाएँ। सो थैंक यू।